नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। नारायणगंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का पुतला दहन नारायणगंज जनपद मुख्यालय का घेराव करके किया। गोडवाना गणतंत्र पार्टी व मोर्चा द्वारा बेतहाशा बढ़ती महंगाई, सरकारी दफ्तरों में हो रहे भ्रष्टाचार, जनपद पंचायत के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में हुए घोटालों की जाँच सहित महाविद्यालय की मांग आदि को लेकर धरना प्रदर्शन व रैली किया गया। साथ ही निजर पंचायत का मामला आया सामने। निजर उप सरपंच ने सचिव सरपंच पर आरोप लगाया, कहा कि 45 प्रधानमंत्री आवास डाटा से काट दिया गया जिसका औसतन राशि 67,50,000 है एवं पॉल्यूशन टैंक का नाम पर भी ट्रैक्टर भाड़ा जो द्वारा 5,86,000 फर्जी पैसा गमन कर लिया गया जिसका शिकायत कलेक्टर और SDM कार्यालय में भी दिया गया है। पर 2 महीने होने जा रहा है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और कोई जाँच भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इसमें? क्या है, मेरे ग्राम पंचायत में जो है सचिव महोदय ने मेरे आम जनता आम गरीब का कॉलोनी जो है प्रधानमंत्री आवास है उसको 45 कॉलोनी डिलीट कर दिया गया है। 2010-11 की सूची में नाम है पर अभी जो है नेट में देखा जा रहा है उसमें बिल्कुल भी सूची में नाम नहीं है। तो मैंने सचिव महोदय से यही आग्रह किया, निवेदन किया कि मेरे जो 45 कॉलोनी मेरे ग्राम जनता का कटा हुआ है वो 67,50,000 का है, उसका आप भरपाई करिए तभी हम लोग आपको छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। हम अपना लड़ाई और हम अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद जो है उन्होंने सचिव महोदय जो है 5,86,000 रुपया फर्जी आहरण कर लिया, घोटाला कर लिया उन्होंने बिगर बिल बिगर किसी ग्राम सभा के प्रस्ताव करते हुए भी ना करते हुए प्रस्ताव और उन्होंने फर्जी बिल लगाया। का पैसा निकाला, किस मत का पैसा था? ये जो है पॉल्यूशन टैंक निर्माण कार्य का है उसमें जो है ट्रैक्टर का भाड़ा लगाकर उन्होंने पैसा आहरण कर लिया है। तो इसकी कहीं शिकायत करी है आपने? कहीं शिकायत मैंने श्री कलेक्टर महोदय जी के यहाँ जन सुनवाई के माध्यम से 4 बार तक मैंने पंजीयन करा के उनको दिया। नीरज कुंजाम, तहसील रिपोर्टर, R9 भारत। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।